हर चीज़ की अपनी अहमियत है, कोई चीज़ भी अहम नहीं है। सुबह सवेरे अगर तुम एक किताब की पढ़ाई करोगे तो मैं ये यकीन से कहता हूँ तुम ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, क्योंकि सुबह के वक्त इंसान का दिमाग फ्रेश होता है। इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है, एक काम जो वह पहले करना चाहता था और भूल गया हो, आपके बुरे दिन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। आपको ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि किसने किससे शादी की है, आपका वक्त बहुत कीमती है अगर तुम्हें कदर हो। कोई भी शहद किताब से ज़्यादा मीठा नहीं है। गरीब लोगों का खात्मा करना हमारे सदकात का पहला उसूल है। अगर तुम लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हो तो हमेशा अपने वादे से ज़्यादा फराहमी करना। जिसमें आजजी हो वो यकीनन बुलंदी पर होगा। एक माँ बहुत आसानी से अपने बेटों के कामयाब दोस्तों से हसद करती है। फैसला आपके हाथ में है। अपनी माँ की ये कमज़ोरी सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो। एक बार मकान तामीर होने के बाद सहारों को ख़त्म करना होगा। जो लोग जानने में सुस्त है उन लोगों का मुस्तकबिल मैंने तारीख पाया है। किसी बेहतरीन चीज़ का हासिल करने का मतलब ज़रूरी है कि उस पर गलत तरीके से तजुर्बा किया जाए। हवस कमज़ोरों के लिए सिर्फ एक मीठा जहर है जिसकी लज्जत कुछ मिनट्स होती है और नुकसान सारी उम्र। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, कुछ मिनट्स के लिए दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद ना करो। अगर मुझे बेहतरीन ना दिया जाता तो मैं उसे ज़रूर हासिल करता। बेहतरीन खाना, इंतहाई मजबूत ख्यालात, इंतहाई खूबसूरत ख्वातीन, गरीब अमीर में बस यही फ़र्क है। गरीब किताब को बेचता है और अमीर ख़रीदता है। नींद से प्यार करने वालों, आप बहुत जल्द ही गिर जाएंगे। कभी कभार एक तन्हा इंसान के सामने जो सामने आता है उसे अपना हाथ पेश करता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं अपनी छतरी भूल गया था जब बारिश हो रही थी, लेकिन आप लोग ये गलती कभी ना करना। ये मेरा तजुर्बा रहा है, ज़िंदगी में बर्बादी आपकी ख़राब आदतों की वजह से आती है। बाज़ औक़ात एक शख्स सिर्फ उस वजह से वफ़ादार रहता है कि उसके मुखालिफीन बदसलूकी से बाज नहीं आते। शादी करते वक्त अपने आप से ये सवाल पूछे, क्या आपको यकीन है कि आप उस लड़की से बुढ़ापे में भी अच्छी बातचीत करेंगे? तमाम अच्छे आइडियाज़ हमेशा वॉक करने से मिलती है। जब मैंने अपना मकसद बना लिया तो आगे मैंने किताब और उस्ताद से काम लिया है। नफ्स जानने से बेहतर है कुछ नहीं जानना, क्योंकि ये आपको गलत जगह ले जा सकता है। इंतकाम और मोहब्बत में औरत मर्द से ज़्यादा जालिम होती है। जो उड़ना चाहता है उसे पहले खड़े होकर चलना और दौड़ना चाहिए। एक परिंदा भी डायरेक्ट नहीं उड़ता। आप पानी को गंदा किए बगैर
गहराई में नहीं जा सकते। तन्हाई में तन्हा खुद को काता है, भीड़ में बहुत से लोग उसे काते हैं। अब आप खुद मुंतखिब करें। एक आदमी जिसके पास हुनर है वो कभी आगे नहीं जा सकता जब तक उसके पास ये दो चीजें ना हो, शुक्र और सफाई। एक ऐसा वक्त भी मुझ पे आया था जब मेरे हालात काफी मुश्किल हो चुके थे, लेकिन मैंने उस वक्त ये तीन कदम उठाए और अपने आप को उस हालात से निकाल दिया। पहला कदम एक अच्छी सोच थी, दूसरा अच्छा लफ्ज था और तीसरा एक अच्छा अमल। अगर आप ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं तो अपने पैरों का इस्तेमाल करें। अपने आप को दूसरे लोगों की पीठ पर मत बिठाना। एक गधा भी ज़्यादा बोझ बर्दाश्त ना करने की वजह से रुक जाता है।